फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मैं हूं आपकी फ्रेंड अनु। और इस समय बजने वाले हैं सुबह के लगभग 10। लॉकडाउन से पहले मेरा वजन था 60 kg, एंड लॉकडाउन के बाद मेरा वजन बढ़ के 66 kg हो गया था। और फिलहाल मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने लास्टली आपके साथ शेयर किया ही था कि जो इंस्टेंट हेल्दी ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ, बट फॉर अ चेंज, क्योंकि रोज रोज आप कॉर्नफ्लेक्स या म्यूजली वगैरह नहीं खा सकते हैं, फॉर अ चेंज मैं कभी कभी फ्रूट्स वगैरह भी खाती हूँ। और उसका ये इफेक्ट है कि राइट नाउ मेरा वेट घट के 65 kg हो गया है, एंड इट्स नॉट इवन अ मंथ, अभी एक महीना नहीं हुआ है, लेकिन 1 kg मैं घटा चुकी हूँ। और हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बट हाँ, जिसका घटता है उसके लिए तो वाकई बहुत बड़ा फिगर है। एंड राइट नाउ अभी मैंने नहाया भी नहीं है, मैं जिम करके आई हूँ। हस्बैंड जी को मैंने भेज दिया है ऑफिस, वो नाश्ता करके जा चुके हैं। इवन ही इज ऑल्सो ईटिंग द सेम थिंग्स जैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वेट लूज करना एक अपने आप में, अगर आप खुद से चाहते हैं मेरे ख्याल से, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि आज मेरा जो सुबह का नाश्ता होगा सिंपली, वो होगा ये पपीता। हालांकि ये पूरा नहीं है, इसमें से आधा ही मैं लूंगी। बाकी मुझे खाना है एक सेब, दिस वन। तो मॉर्निंग आजकल मैं फ्रूट्स ही खा रही हूँ। और अगर आप भी अपना वेट घटाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये जरूर है कि जब आप वेट लूज करना चाहें, तो आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलना होता है, काफी चीजें छोड़नी भी होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप डाइट वगैरह फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, मेरी जो आदत है, या कह लीजिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ और घर में नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज फ्रेंकली टेलिंग यू, हम होम मेकर्स के लिए घर में एक्सरसाइज करना थोड़ा सा टफ होता है। वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ डूइंग दीज थिंग्स इन द हाउस। तो सिंपली मैं एक्सरसाइज अपने जिम में ही जाके करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जिम का मतलब होता है हम डंबल्स उठाएं, ये करें, ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और अगर आपको वेट उठाना है तो आप घर में भी उसके ऑप्शंस को ढूंढ सकते हैं। हालांकि मैंने किया नहीं है, बट आई नो द ऑप्शंस, और वो टॉपिक है बहुत बड़ा है, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम आपके साथ इसको शेयर करूंगी। तो फिलहाल ये मेरा नाश्ता है। और अगर पर्सनालिटी की बात करें, तो मे भी आपको ज्यादा चेंज ना महसूस हो, लेकिन मैं अपना एक लुक आपको दिखाने जा रही हूँ। अभी ये देखिए, ये है मेरा लुक, जो कि मैं जिम के बाद, अभी मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया है, मैं उन्हीं ड्रेसेस में हूँ जिसमें मैं जिम जा रही हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बॉडी में अगर चेंजेस की मैं बात करूं, तो फिलहाल मेरे हिसाब से मेरी जो डबल चिन हो गई थी यहाँ पे, वो थोड़ी सी कम हुई है। और जब भी आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो एकदम से वेट लूज नहीं होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था अपना वेट लॉस का, तो उस टाइम मेरा वेट अप्रॉक्स 72-73 kg था, एंड मैंने एक साल में उसे घटा के 60 kg पर मैं ले आई थी। और उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैंने आपको एक अपना लुक दिखा दिया है, और चेंजेस अगर आप रेगुलर हैं मेरे ब्लॉग्स पे, तो आपको दिख ही रहा होगा कि मेरा फेस जो है, फेस का शेप हल्का सा चेंज हो जाता है जब आप वेट लूज करते हैं। क्योंकि कभी भी वेट लॉस जब होता है, तो एक ही जगह से नहीं होता है, पूरी बॉडी से आपका वेट लॉस होता है। तो फिलहाल मैंने आपको अपना सुबह का नाश्ता दिखा दिया है। दोपहर में मैं जो खाऊंगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वो मैंने आपके साथ कभी शेयर भी नहीं किया है। इट इज रियली वेरी हेल्दी इफ यू गिव इट अ ट्राई। तो चलिए मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, और आपको दिखा भी देती हूँ कि एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी और क्या क्या मैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, सिर्फ और सिर्फ फल, जिसमें है 3 चीजें, पपीता जो कि ज्यादा है थोड़ा, उसके बाद एक सेब, और साथ में थोड़े से अंगूर। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और फिर आपसे मिल। यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक्चुअली पूड़ियाँ, क्योंकि हनी को जाना है स्कूल, और उसके पहले वो आज दोपहर का लंच करके जाने वाला है। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैं वेट लॉस की बात कर रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो हाँ, हमें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि वेट लॉस मुझे करना है, मेरे बेटे को नहीं। हालाँकि मेरा ज़ोर अभी भी वही है, और हमारे इंडियन कल्चर में ये सब चीज़ें बहुत आम हैं, क्योंकि
जनरली ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने लिए अलग खाना बनाएं और बच्चों या हस्बैंड के लिए अलग खाना बनाएं। तो हमें इन्हीं खाने को ऐसा बनाना होता है जिससे हमारे खाने में एक परफेक्ट बैलेंस हो जाए जो हमें वेट लॉस में हेल्प करे। तो चलिए, ये है हनी की आज दोपहर की लंच थाली, जिसमें है केसर वाली खीर, गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो चलिए मैं हनी को खाना दे देती हूँ और उसके जाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अभी अभी मैं नहा चुकी हूँ और हनी जा चुके हैं अपने स्कूल, और नहा के मैंने एक्चुअली पूजा भी कर ली, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद हमसे मिलती हूँ। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं बनाऊँगी कुछ हेल्दी, और बनाना तो है ही, बट घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आज मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन, तो चलिए मैं सोच रही हूँ आपको भी दिखा दूँ। सो ये देखिए, कपड़े धुल रहे हैं, अभी वॉश हो रहे हैं, काफ़ी कपड़े मैंने डाल भी दिए हैं, और अभी भी आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी वॉशिंग मशीन के चलने की। तो वॉशिंग मशीन भी चल रही है, कुछ कपड़े मैंने धो लिए हैं, कुछ कपड़े अभी वॉश करने बाकी हैं मुझे। कपड़े तो मैंने आपको दिखा ही दिए कि मैं वॉश कर रही हूँ, और अभी और भी छोटे मोटे कई सारे काम हैं। तो फिलहाल अभी रिसेंटली था वैलेंटाइंस डे, और एज यूजुअल मेरे हस्बैंड जी ने दिया था मुझे एक प्यारा सा रोज़, और ये वाले जो रोज़ होते हैं इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, हल्का सा इसके एजेस देख सकते हैं आप कि अजीब से हो रहे हैं। तो मुझे बदलना है इसका ये पानी, तो मैं ऑलमोस्टली हर सेकेंड डे इसका पानी बदलती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे बातें करते करते ये सारे काम भी कर लूँ, और साथ ही साथ मुझे तैयारी करनी है अपने सिंपल से और बढ़िया और हेल्दी से लंच की। और हनी का खाना तो मैंने आपको दिखा ही दिया, और वो यही खा के गया है, और जब वो शाम को आएगा तब उसने कहा है कि वो जो पपीता मैंने आपको दिखाया था तब वो खाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ अपना लंच। मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं एक्चुअली कुकर में टमाटर को उबाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है शाम के लिए सूप, और वो रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी अभी मैंने एक्चुअली पैन भी चढ़ाया हुआ है। और वैसे तो जो नाश्ता मैंने हनी को दिया है क्वाइट सिमिलर मैं भी वो करूँगी, हालांकि आप सोच सकते हैं कि जब हमें डाइट कॉन्शियस होना होता है तो हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, बट बीइंग अ हाउसवाइफ इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने लिए अलग से खाना बनाऊं और बाकी मेंबर्स के लिए या बेटे के लिए अलग से खाना बनाऊं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब होती है तो बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि घर का फैमिली मेंबर उनके साथ ही खाना खाए। तो फिलहाल अभी मैं पूड़ी भी खाऊंगी और सब्जी भी खाऊंगी जो मैंने हनी को सर्व किया है, बट उसके साथ साथ मैं जो खाऊंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अच्छा खासा सैलेड खाऊंगी, और ये देखिए खीरा रखा है मैंने, एक मैंने ये लाल वाली मूली रखी है, इसे मैंने धुल लिया है, और मैंने यहाँ पे रखे हैं दो गाजर, और मैं पैन में अभी करूंगी इन बीन्स को स्टर फ्राई। तो ये बीन्स हैं, और इन्हें खाने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है, अगर आपने कभी भी डाइट वाला सो कॉल्ड वीडियोस देखा होगा तो आपको पक्का पता होगा कि वो कहते हैं कि आप जितना फाइबरस खा सको, जितना ज़्यादा सलाद खा सको उतना ही अच्छा है, और मैं भी वो प्रिफर करती हूँ, बट स्टिल कुछ चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये काम करना है, और टोमेटो सूप बेटे को उतना पसंद नहीं है, तो फिलहाल उसके लिए नहीं बनेगा, सिर्फ मेरे लिए बनेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं हस्बैंड जी को भी शाम को जब वो लौटेंगे तब दूंगी। और फिलहाल पैन हो गया है गर्म, और मैंने मलाई का डब्बा भी निकाला है क्योंकि मुझे घी भी बनाना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको करती हूँ स्टर फ्राई, और ये एक सिंपल सी रेसिपी जो कि बिना मसाले के होगी, थोड़ा बहुत होगा बट नॉट दैट मच, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये है आज का मेरा दोपहर का मेन्यू, जिसमें है बीन्स ढेर सारी जिसे मैं स्टर फ्राई करूँगी, गाजर, मूली और खीरा जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो चलिए मैं बीन्स को स्टर फ्राई कर लेती हूँ। इसके लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच की जितना घी, और घी के गर्म होते ही मुझे डालना है ज़ीरा, और ज़ीरे को हल्का सा स्प्लटर होने देना है ब्राउन होने तक, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बीन्स। तो बीन्स इसमें जो है मैंने उसे दो हिस्सों में काट
लिया है और बढ़िया से इसे मुझे स्टर फ्राई करना है और इसे बनाने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है। तो पहले तो मैं इसे अच्छे से स्टर फ्राई कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि बीन्स का कलर तुरंत ही चेंज होने लगा है और बस इसी समय डालनी है मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें। तो सबसे पहले है काली मिर्च, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। साथ में है चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाले से थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। लीजिए, हमारी बीन्स स्टर फ्राई होके तैयार हो गई है खाने के लिए। तो स्टर फ्राई तो मैंने बना लिया और मैंने सोचा कि लगभग 1:15 हो रहे हैं दोपहर के, तो मैं क्यों ना अपना लंच कर ही लूँ और उसके बाद मुझे बाकी जो चीज़ें करनी है, जैसे मैं मंडी से ले आई थी हरा प्याज, उसे भी चॉप करके रखना है, घी भी बनाना है और अभी कपड़े भी पूरी तरह से धुल नहीं पाए हैं, तो वो सारे काम मैं करूँगी। एंड आफ्टर दैट मैं शाम के लिए सूप की तैयारी करूँगी। तो सूप ऑलरेडी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया ही है, मैंने आपको बताया ही है, तो उसकी रेसिपी शेयर करने का कोई तुक नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी आपको मैं अपना लंच दिखा देती हूँ। सो ये देखिए, ये है वो स्टर फ्राई जो मैंने आपको बताया था और इसमें चाट मसाला पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है क्योंकि फाइब्रस है। साथ में है ये सलाद जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो इसमें नींबू की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मुझे मन नहीं हो रहा था तो मैंने नींबू नहीं लिया, लेकिन आप इसमें नींबू और नमक जोड़ सकते हैं। मैं इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, मेरी आदत नहीं है। और साथ में है ये खाना जो मैंने हनी को भी सर्व किया था। हाँ, इसमें खीर नहीं है क्योंकि मेरा भी खीर खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस एक पोर्शन के आगे 2 पोर्शन जो है मेरा वो काफ़ी हेल्दी है, तो इस कार्ब वाले पोर्शन को कहीं ना कहीं वो कवर अप करेगा। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ। इस लंच मेन्यू के साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करूँगी और आपसे मिलूंगी अपने नए वीडियो में, नई रेसिपी या समवट लाइक दैट डिफरेंस के साथ। तो फिलहाल अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए, मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।